सुशील जी, ये चर्चा हम आपसे आगे लेके चलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे, बट पहले एक ब्रॉडर सेटअप के बारे में बताएं, स्पेशली ग्लोबल मार्केट के ब्रॉडर सेटअप, उसके बाद हम इंडियन मार्केट्स की बात करेंगे। और मैं पहले ये कैवियट देता हूँ कि मैं आपसे ये सवाल मीडियम टू लॉन्ग टर्म पूछ रहा हूँ, मैं शॉर्ट टर्म पूछूंगा ही नहीं। 2-3 महीने, 6 महीने, एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स, डाउ का फॉर एग्जाम्पल? डाउ, S&P और उनकी वजह से नैसडेक और फुटसी, वो भी करीब करीब उन्हीं के जैसे चल रहे हैं। तो ये जो एक रीसेंट रैली आई है इनमें, और काफी फास्ट और फ्यूरियस है, ये रैली ही है। हरभजन सिंह ने छक्का मार दिया था और मैच भी जीत गए थे उस छक्के की वजह से, और उसके कारण आप हरभजन सिंह को ओपनिंग ऑर्डर बैट्समैन का क्लासिफिकेशन नहीं दोगे, वो बॉलर ही रहेंगे, राइट? तो ये जो बेयर मार्केट रैलीज हैं, हरभजन सिंह के छक्के की तरह है। जब छक्का लगता है और मैच जीतता है तो स्टेडियम में हाहाकार चित्कार मच जाता है, खुशी की लहर आ जाती है। तो बढ़ता बाजार तो सबको खुशी देता है, पर ढांचे को अगर आप देखें तो वॉल स्ट्रीट पर अभी भी एक और नया लो पेंडिंग है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कल सवेरे ही आ जाएगा या अगली चाल में सीधा वहां लुढ़क जाएगा। मार्केट्स आर इन अ कॉम्प्लेक्स रैली एज फार एज द वेस्टर्न मार्केट्स आर कंसर्न्ड। और इसी के साथ अगर मैं इंडियन मार्केट्स को जोड़ूं तो हम ऑल टाइम हाई के बहुत करीब हैं, मतलब किसी भी टाइम उसको टच कर सकता है, उससे 100-150 पॉइंट ऊपर भी बढ़ जाएगा। तो मेरी कृपया इस बात को याद रखिएगा, हरभजन सिंह छक्का मार देगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लॉन्ग टर्म बुल मार्केट बना लोगे। और उसकी वजह है ब्रेथ का एब्सेंस, वॉल्यूम मिनिमाइज हो गए, वॉलेटिलिटी जिस तरह की है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू वॉलेटिलिटी के आर्ग्यूमेंट में मत जाइए। ऊपर की ट्रेंड लाइन टूट जाती है, बड़ा गैप डाउन आ जाता है, लोग शॉर्ट कर देते हैं, लॉन्ग का वहां स्टॉप लॉस लग गया, उस दिन जो बड़ा गैप डाउन आया 4 दिन पहले, लॉन्ग का स्टॉप लॉस लग गया, शॉर्ट हो गया, अगले दिन शॉर्ट का भी स्टॉप लॉस लग गया। तो ए वेरी डिसेप्टिव, वेरी वेरी कनिंग सॉर्ट ऑफ अ मूव दैट हैज बीन कमिंग। द स्ट्रक्चर नाउ ऑफ द चार्ट, जो चार्ट का ढांचा है, तो निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने वेस्टर्न मार्केट्स के साथ साथ घटने का काम तो किया, पर जैसे रिबाउंड आता है ये बड़ा ज्यादा रिबाउंड दे देते हैं। तो ब्रॉडली हम तो करीब करीब अपने हाइस पर आ गए, पर वॉल स्ट्रीट अभी काफी नीचे है अपने हाइस से। तो अब क्या ये एक कैचअप एक्ट होगा कि अगला राउंड वॉल स्ट्रीट में 15% घटने का और निफ्टी 20 घट जाए? वो संभावना है, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। क्या ये हो ही जाएगा? नहीं, ये रिस्क लेने का तरीका ही नहीं है। तो अब मैं लार्ज कैप्स पे और निफ्टी पे बेचने के इंतजार में हूं, इंतजार कर रहा हूं, पिछला वीक भी इंतजार में गया। हमने स्मॉल कैप्स में दबा करके एक्सपोजर ले रखा है, और वो भी ऐसे नहीं कि जो कल सवेरे चल जाएंगे, जहां मुझे 100% बढ़ने का चांस 6 महीने में लगता है। तो 6 महीने से 9 महीने या 3 महीने की जो हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम वर्ल्ड मार्केट्स में भी, इवन इफ वॉल स्ट्रीट का परफॉर्मेंस इतना खराब रहा है, एक और नया लो आने के बाद 2023 में भी अगेन अ वेरी इजी बाउंटीफुल ईयर फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बुलिश साइड। माल ले लेके पैसा बनाने का समय 2023, एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का एटमोसफेयर लौट सकता है, और बाकी पूरे विश्व में लौटे नहीं लौटे। अगर कल को ये निफ्टी 15,000 हो गई, जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, और बहुत भयंकर हमारी ट्रोलिंग होती है ट्विटर पे, और जितनी ज्यादा ट्रोलिंग होती है हमारा आत्मविश्वास उतना बढ़ जाता है, पर अगर ये कल को 15,000 निफ्टी आ जाती है, तो मेरी इस बात पे मैं राइट पढ़ू ना पढ़ू, 15,000 आए नहीं आए, वो 15,500 से घूम जाए, अगर इस तरह का कोई एक धमाकेदार फॉल आ जाता है, तो मुझे लगता है आने वाले कई वर्षों में जितना सुनहला टाइम 2023 में बनेगा कि 15,000 की निफ्टी 22,000 हो जाए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत सारे बी ग्रुप के ऐसे स्टॉक्स हैं जो ये निफ्टी 15,000 वाली चाल पहले ही पूरा कर चुके हैं 1-2 महीने पहले, और वो 22,000 निफ्टी वाली चाल को चलना शुरू कर चुके हैं, और लार्ज कैप्स में एक बड़ा करेक्शन अभी भी पेंडिंग है।